इस कहानी की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में लोगन का एक छोटा सा टॉय भी होता है और फिर वो अपने घर की चीजों को तोड़ता है, नाश्ता करता है, फिर वो बहुत सारे ऑयल के टैंक पर जाकर लेट जाता है और उन्हें सिगरेट से आग लगा देता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और डेडपूल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर डेडपूल हमें टाइम में पीछे ले जाकर बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ डेडपूल हांगकांग की एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ होता है और फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर माफिया के लोगों को अपनी गोली से मारने लगता है। वहाँ मौजूद माफिया के लोग जमकर डेडपूल का सामना करने लगते हैं, लेकिन डेडपूल की हीलिंग पावर की वजह से उसको कुछ नहीं होता और फिर डेडपूल अपनी तलवार और गन से उन सभी को मार देता है। लेकिन उन सभी दुश्मनों को मारते वक्त उनमें से एक दुश्मन बचकर एक सीक्रेट रूम में घुस जाता है और उस वक्त डेडपूल उसे कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आज मेरी एनिवर्सरी पर जल्दी घर जाना है, इसीलिए उसे छोड़ देता है और फिर वो दोपहर की टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जब वेड अपने घर पहुंचता है तो वो वेनेसा से मिलकर काफी खुश होता है और दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों अपने होने वाले बच्चों के नाम डिसाइड करने लगते हैं। तभी डेडपूल को अपने घर पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वो वेनेसा को सोफे के पीछे छिपने को कहता है और तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं। तभी वेड चाकू का स्टैंड उठाकर एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है और वो फाइनली वेनेसा को बाहर आने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ एक और गुंडा आ जाता है। ये वही गुंडा होता है जिसे डेडपूल ने उस वक्त छोड़ दिया था। वो गुंडा डेडपूल पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन तभी डेडपूल उस पर चाकू मारता है जिससे उस गुंडे का निशाना चूक जाता है और गोली सीधा वेनेसा को लग जाती है। डेडपूल वेनेसा को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो गोली वेनेसा के हार्ट पर लग चुकी होती है जिससे वेनेसा की वही डेथ हो जाती है। वेनेसा के मरने की वजह से वेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उस गुंडे को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वो उस गुंडे को पकड़ लेता है तभी वो दोनों एक ट्रक के सामने आ जाते हैं जिससे वो दोनों ट्रक से टकरा जाते हैं, लेकिन डेडपूल की हीलिंग पावर की वजह से डेडपूल का कुछ भी नहीं बिगड़ता और साथ ही वो गुंडा वहीं पर मर जाता है। लेकिन डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा की जान का खातिर खुद को ही मानता है और इसी वजह से वो कई बार अपने आप को जान से मारने की कोशिश करता है। वो कभी जहर पी लेता है तो कभी बिल्डिंग से कूद जाता है लेकिन उसकी पावर्स की वजह से उसे कुछ नहीं होता। वहीं फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां डेडपूल ऑयल के ड्रम पर बैठकर खुद को वहीं ब्लास्ट करवा लेता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डेडपूल जन्नत में पहुंच जाता है जहां वेनेसा भी होती है लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां एक इनविजिबल वॉल होती है। वेड वेनेसा को आवाज लगाता है तो वेनेसा उसे कहती है कि तुम्हारा दिल सही जगह पर नहीं है और तुम जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तभी डेडपूल वापस रियलिटी लाइफ में आ जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि कोलोसस वेड को ढूंढते हुए उसके घर पर आता है जहां उसे डेडपूल के टुकड़े मिलते हैं और वो उन सभी टुकड़ों को लेकर जेवियस स्कूल में ले जाता है क्योंकि कोलोसस डेडपूल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। वहीं फिर हमें एक म्यूटेंट स्कूल को दिखाया जाता है जहां आज एक नए बच्चे को लाया गया होता है जिसका नाम रसल होता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल रसल को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा इलाज मेरे हाथों से हो रहा है। वहीं हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो अपनी हीलिंग पावर की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वो बहुत उदास होता है तभी वहां नेगासोनिक आ जाती है जो अपने साथ यूकियो को लाई होती है। कोलोसस डेडपूल को कहता है कि तुम भी थोड़ी मेहनत करके एक अच्छे एक्समैन बन सकते हो, लेकिन डेडपूल उसकी बात नहीं सुनता और बाहर आ जाता है तो कोलोसस उसे पकड़कर उससे पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो वेड उन्हें कहता है कि मैंने अपनी वाइफ के सभी कातिलों को मार दिया है लेकिन अभी भी एक कातिल है जो जिंदा घूम रहा है। तो कोलोसस उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ कर उसके किए की सजा उसे जरूर देंगे। डेडपूल उसे कहता है कि वो मैं ही हूँ क्योंकि मैंने वेनेसा के सारे कातिलों को मार दिया लेकिन मैं अपने आप को नहीं मार पाया क्योंकि डेडपूल के पास हीलिंग पावर थी जिसकी वजह से वो कभी भी खुद को नहीं मार सकता था। तो कोलोसस उसे कहता है कि वेनेसा चली गई है, वो कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन ये एक्समैन स्कूल भी तुम्हारा एक परिवार है और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। वेड सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कोलोसस को हक कर लेता है। वहीं फिर हमें फ्यूचर में केबल को दिखाया जाता है जिसके सामने उसकी बेटी और वाइफ की जली हुई लाशें पड़ी होती है। केबल बहुत दुखी होता है, वो अपनी बेटी का टेडी बियर उठा लेता है और फिर अपने परिवार के कातिल को मारने के लिए अपनी टाइम मशीन वॉच से समय में पीछे आ जाता है जहां वो दो लोगों से पूछता है ये कौन सा साल है, लेकिन वो लोग नशे में होते हैं इसीलिए केवल उन दोनों को बेहोश कर देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। वहीं हमें नेगासोनिक को दिखाया जाता है जो यूकियो से कहती है कि वेड हमारे साथ तो रहने लगा है लेकिन उसका दिमाग अभी भी यहां नहीं है, वो अभी भी पुराने ख्याल में खोया हुआ रहता है। तो वेड कहता है कि तुम्हारा सोचना गलत है क्योंकि अब मैंने पूरी तरीके से इस
सेक्स मैन स्कूल को अपना लिया है और तुम सब मेरी एक फैमिली हो और साथ ही मुझे तुमसे जितना सीखने को मिला है उससे कहीं ज्यादा मैंने तुम्हें सिखाया है और अब मैं एक बहुत ही अच्छा एक्स मैन बनकर दिखाऊंगा। तभी वहाँ कोलोसस भी उसकी ये बातें सुन रहा होता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका ये डिसीजन था कि वो डेडपूल को सुधार देगा और उसे एक अच्छा एक्स मैन बना देगा। वहीं फिर हमें उसी म्यूटेंट स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल सभी बच्चों को कह रहा होता है कि तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा है लेकिन तुम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। और फिर वो रसल को एक चेयर से बांध देता है और वो उसे अपनी बनाई हुई गन से टॉर्चर करने लग जाता है और सभी को कहता है कि आज के बाद तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वहीं कोलोसस वेट के पास आता है और उसे कहता है कि हमारे पास एक मिशन आया है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ मिशन पर चलना होगा। वहीं हमें दिखाया जाता है रसल उस टॉर्चर से परेशान हो गया था, इसीलिए वो वहाँ हमला करने लगता है और वो दो पुलिस की गाड़ियों को उड़ा देता है। तभी वहाँ एक्समैन की टीम भी पहुँच जाती है लेकिन तब तक वहाँ सारी पुलिस और मीडिया भी पहुँच चुकी होती है। तब हमें पता चलता है कि रसल के पास आग की पावर है जिसकी मदद से वो अपने हाथ से फायरबॉल फेंक सकता है। डेडपूल रसल को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन रसल उसकी नहीं सुनता और वो पूरी एक्समैन की टीम पर हमला कर देता है। डेडपूल ये देखकर रसल पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे एक कॉलर पहना देती है। तो डेडपूल उनसे पूछता है कि ये क्या चीज है, तो ऑफिसर उसे बताता है कि इस कॉलर को पहनने से म्यूटेंट की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल रसल को अंदर लेकर जाने लगता है तो डेडपूल उसे वहीं रुकने को कहता है और वो रसल से पूछता है कि तुमने यहाँ अटैक क्यों किया और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो रसल उसे कहता है कि प्रिंसिपल और इसके साथी हम सभी बच्चों को टॉर्चर करते हैं और उसे वो निशान भी दिखाता है जिससे वेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल और उसके साथियों को शूट कर देता है लेकिन प्रिंसिपल बच जाता है। पुलिस डेडपूल को पकड़ लेती है क्योंकि एक्समैन स्कूल का रूल होता है कि वो किसी भी इंसान को नहीं मार सकते। फिर वेड और रसल को आइस बॉक्स जेल में डाल दिया जाता है। आइस बॉक्स जेल एक ऐसी तरह की जेल होती है जहां म्यूटेंट अपराधियों को रखा जाता है। रसल और वेड को वहां एक रूम में बंद कर दिया जाता है। अब डेडपूल की हालत बहुत खराब होने लग जाती है क्योंकि उसके पास उसकी पावर न होने की वजह से उसका कैंसर वापस लौट चुका होता है क्योंकि उसे कैंसर की बीमारी होती है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और उसके ट्यूमर भी बढ़ने लग जाते हैं। तभी रसल उसे बताता है कि मुझे खुद पर इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं गलत के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाया और मैं हमेशा दूसरों के भरोसे रहता था कि कोई आकर मेरी मदद करेगा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसीलिए अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा और यहाँ से निकलने के बाद मैं उस प्रिंसिपल को मार दूंगा क्योंकि वो सभी म्यूटेंट को बीमार नस्ल समझता है। वहीं फिर हमें केबल को दिखाया जाता है जिसे भी न्यूज में ये पता चल जाता है कि रसल और वेट को आइस बॉक्स में बंद कर दिया गया है, इसीलिए उन्हें मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल गन बनाता है। और फिर वो रसल को मारने के लिए आइस बॉक्स जाता है जहां वो अपनी गन की मदद से अंदर घुस जाता है और वहां हर जगह हमला करने लग जाता है जिससे सभी म्यूटेंट आजाद हो जाते हैं और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं जिससे गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी केबल वहां रसल पर फायर करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि रसल ही वो इंसान होता है जो आगे जाकर बुरा म्यूटेंट बनेगा, इसीलिए केबल उसे गन से शूट करने लगता है। लेकिन तभी बीच में डेडपूल आ जाता है और केबल को रोकने की कोशिश करने लगता है। केबल डेडपूल को मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और इसी लड़ाई में डेडपूल का कॉलर भी खुल जाता है जिससे उसकी पावर वापस से उसके पास आ जाती है और अब वो केबल पर अटैक करने लग जाता है जिससे केबल दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर वापस से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों उस टावर से नीचे गिर जाते हैं। वेट पानी में गिर जाता है और वो वापस से जन्नत में वेनेसा के पास पहुंच जाता है लेकिन अभी भी वो अंदर नहीं जा पाता। वेट उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया लेकिन अब तुम ही मुझे बताओ कि हम दोनों वापस कैसे मिल सकते हैं। तो वेनेसा उसे कहती है कि तुम उस बच्चे की जान बचा लो क्योंकि ये बच्चे ही होते हैं जो हमें सुधरने का एक मौका देते हैं। ये सुनते ही वेट वापस से असली दुनिया में पहुंच जाता है और फिर वेट अपने पुराने दोस्त विसल से मिलने के लिए जाता है जो एक बार का ओनर होता है। डेडपूल उसे कहता है कि मैं वेनेसा को तो नहीं बचा पाया लेकिन मैं उस बच्चे को जरूर बचाऊंगा जो उस आइस बॉक्स जेल में कैद है। तो विसल उसे कहता है कि मुझे खबर मिली है कि कल सभी म्यूटेंट को यहाँ से 80 मील दूर एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो वेट कहता है कि मैं कल रास्ते में ही उस बच्चे को उठा लूंगा। तो विसल उसे कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स भी मौजूद होंगे, इसीलिए हमें एक टीम बनानी चाहिए। वेट को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो एक ऑडिशन रखने का डिसाइड करते हैं। वहीं हमें रसल को दिखाया जाता है जो सभी लोगों से छिपकर उस जेल के सबसे खतरनाक कैदी के पास पहुंचता है जिसका नाम जगरनॉट होता है। रसल उसे खाना खिलाता है और उसे बातें करता है जिससे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं
मीडिया में डेडपूल और व्हिसल को दिखाया जाता है जो टीम बनाने के लिए ऑडिशन कर रहे होते हैं, जिनमें वो सबसे पहले बेडलम को अपनी टीम में लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को कंट्रोल कर सकता था। दूसरा होता है जाइगेस्ट जो अपने मुंह से तेजाब की उल्टी कर सकता था। तीसरा होता है वेनिशर जो इनविजिबल होता है। चौथा होता है रश्टी जो कि एक एलियन होता है, वो कहता है कि मैं सभी काम में माहिर हूँ। पांचवी एक लड़की होती है जिसका नाम डोमिनो होता है, वो कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ और लकी उसका सुपर पावर होता है। छठा होता है पीटर जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती, बस उसे डायबिटीज होती है, लेकिन फिर भी डेडपूल उसे अपनी टीम में ले लेता है और अब डेडपूल की टीम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और डेडपूल अपनी टीम का नाम एक्स फोर्स रखता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि आइस बॉक्स के सारे म्यूटेंट को ट्रक में लोड किया जा रहा होता है और वो ट्रक नई जेल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं फिर हमें डेडपूल और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो प्लेन बना रहे होते हैं कि वो किस तरह ट्रक को रोककर रसल को बचाएंगे, और फिर एक्स फोर्स रसल को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाती है। डेडपूल सभी से कहता है कि हमारा प्लेन बहुत ही कमाल का है, इसीलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम आराम से रसल को बचा लेंगे। और फिर वो सब एक एक करके हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाते हैं और उस ट्रक की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जिसमें रसल होता है। डेडपूल सक्सेसफुली नीचे लैंड कर जाता है, लेकिन उसकी टीम के बाकी मेंबर के पास लैंडिंग टेक्निक्स और स्किल ना होने की वजह से वो इधर उधर टकरा कर मर जाते हैं। लेकिन डोमिनो का लक बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट ही उस ट्रक में पहुंच जाती है और उस ट्रक के ड्राइवर पर हमला करके उसे मार डालती है। डेडपूल भी स्कूटर लेकर उस ट्रक का पीछा करने लगता है। वहीं केबल भी रसल को मारने के लिए वहां पहुंच जाता है और वो उस ट्रक पर चढ़कर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है। डोमिनो रसल को मारने के लिए उस पर फायर करने लगती है जिससे वो ट्रक का आधा हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन केबल उसमें भी बच जाता है और वो वापस ट्रक पर आ जाता है। ये देखकर डोमिनो ट्रक को लक के हवाले छोड़कर केबल से फाइट करने लग जाती है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डोमिनो केबल से नहीं जीत पाती और केबल उसको शूट करने वाला होता है, लेकिन डोमिनो का लक बहुत अच्छा होता है और इन मौके पर डेडपूल वहां आ जाता है और वो डोमिनो को बचा लेता है। डेडपूल और केबल में फाइट होने लग जाती है। डोमिनो ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके होते हैं। वहीं रसल अपने पास रखे हुए एक पेन से उस लॉकर का लॉक तोड़ देता है जिससे उस शेल्टर का गेट खुल जाता है और फिर वो जगरनॉट के चेम्बर में जाता है और उसको आजाद कर देता है। जगरनॉट ट्रक को रोकने के लिए एक जोरदार पंच मारता है जिससे ट्रक के साथ ब्रिज भी टूट जाता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। डेडपूल रसल को कहता है कि तुमने जगरनॉट को क्यों छुड़वाया, तो रसल कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि हम दोस्त नहीं है, इसीलिए मैंने सबसे खतरनाक म्यूटेंट को अपना दोस्त बना लिया और अब मेरा एक ही मिशन है कि मैं उस प्रिंसिपल को मार दूं। रसल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो जगरनॉट को डेडपूल को खत्म करने को कहता है। जगरनॉट डेडपूल को पकड़कर उसे बीच में से फाड़ देता है और फिर रसल और जगरनॉट वहां से चले जाते हैं। वहीं फिर डोमिनो डेडपूल को उस ब्लाइंड लेडी के घर ले जाती है जहां पहले डेडपूल रहा करता था, क्योंकि डेडपूल की बॉडी को वापस से ग्रो होने में कुछ समय चाहिए था। तभी उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं। डेडपूल उन सभी को कह रहा होता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए और फिर मेरी बॉडी वापस से सही हो जाएगी और मैं अकेले ही जाकर जगरनॉट को रोकूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चले तो तुम्हें भी मार देगा। तभी वहां केबल भी आ जाता है, सभी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, तो केबल उन्हें कहता है कि मैं यहां तुम्हारी मदद मांगने आया हूं, क्योंकि मैं जगरनॉट को अकेले नहीं रोक सकता, क्योंकि रसल उसके साथ मिलकर प्रिंसिपल को मारने जा रहा है और एक बार उसने प्रिंसिपल को मार दिया तो उसे लोगों को मारने की आदत हो जाएगी और वो बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले लेगा। और फिर केबल उन्हें ये भी बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूं और मेरा काम रसल जैसे लोगों को रोकना ही था, इसीलिए रसल जानता था कि मेरी कमजोरी क्या है और वो मेरे घर में घुसा और उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये सुनकर डेडपूल भी बहुत सेड हो जाता है, लेकिन वो केबल को कहता है कि रसल ऐसा नहीं है, बस वो अभी गुस्से में है, इसीलिए अगर हम उसे प्रिंसिपल को मारने से रोक ले तो सुधर जाएगा, और इस बात को लेकर उनमें डील हो जाती है। और फिर वो दोपहर की टैक्सी लेकर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। सबसे पहले डेडपूल उन्हें एक्समैन स्कूल में लेकर जाता है, क्योंकि जगरनॉट इतना पावरफुल होता है कि उसे सिर्फ कोलोसस ही रोक सकता था, इसीलिए वो कोलोसस को मदद करने को कहता है। लेकिन कोलोसस कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें एक्समैन बनाया, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती का गलत इस्तेमाल किया। तो डेडपूल उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम भी तो सही नहीं कर रहे हो, तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा और सही का साथ देने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं। और ये कहकर डेडपूल वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें रसल और जगरनॉट को दिखाया जाता है जो स्कूल पहुँच चुके होते हैं, और तभी वहाँ डेडपूल भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। केवल उसे बताता है कि मेरे पास जो ये टेडी बेयर है वो मेरी बेटी के खून से सना हुआ है और अगर ये वापस से पहले जैसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे परिवार को रसल से कोई खतरा नहीं होगा। और फिर वो सब रसल को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन रसल प्रिंसिपल को मार
मारने के लिए उसके पीछे जाता है और जगरनॉट को उन्हें रोकने को कहता है। डेडपूल और बाकी सब मिलकर जगरनॉट पर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है इसीलिए वो सबको पटक पटक कर बहुत मारता है। वही रसल उस प्रिंसिपल को मारने के लिए उस पर फायर से अटैक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोलोसस डेडपूल की मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है और फिर कोलोसस और जगरनॉट के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वही डोमिनो स्कूल के सारे बच्चों को बचाने जाती है ताकि वो उन्हें बचाकर सेफली बाहर निकाल सके और वो एक एक करके सभी गार्ड को मार देती है क्योंकि वो सब उन बच्चों को टॉर्चर किया करते थे। वहीं रसल उस प्रिंसिपल को आग से जलाकर मारने वाला होता है कि तभी वहाँ डेडपूल और केबल आ जाते हैं और केबल प्रिंसिपल को उससे बचा लेता है। वहीं अब नेगासोनिक और यूकियो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कोलोसस और वो दोनों मिलकर जगरनॉट को शॉक लगाकर जान से मार देते हैं। वहीं केबल रसल को मारने की कोशिश करता है लेकिन डेडपूल उसे रोकता है और कहता है कि अभी तक उसने एक भी कत्ल नहीं किया है, लेकिन तभी रसल उन पर अटैक करता है और वो दोनों बाहर जाकर गिरते हैं। डेडपूल रसल को समझाता है कि वो प्रिंसिपल घटिया इंसान है, लेकिन तुमने उसे मारा तो तुम भी बुरे बन जाओगे और वो प्रिंसिपल भी यही चाहता है, इसीलिए तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि तुम एक बच्चे हो। और डेडपूल रसल को हक करता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन रसल उस पर विश्वास नहीं करता और उस पर फायर कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। डेडपूल उसे कहता है कि अगर तुम किसी को मारना ही चाहते हो तो मुझे मारो, और फिर डेडपूल वो कॉलर पहन लेता है जिससे वो नॉर्मल इंसान बन जाता है। लेकिन फिर भी रसल डेडपूल पर वार करने लगता है। ये देखकर केबल गन से रसल पर फायर करता है, लेकिन डेडपूल बीच में आकर उसे बचा लेता है। रसल ये देखकर कि डेडपूल ने उसकी जान के खातिर अपनी कुर्बानी दे दी, जिससे रसल का दिल अब पिघल जाता है। डेडपूल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हारी परवाह है। तभी डेडपूल देखता है कि केबल की बेटी के टेडी बियर से खून के निशान हट जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रसल अब अच्छा बन गया था। डेडपूल सभी से बहुत इमोशनली बातें करता है, सब बहुत दुखी होते हैं। और तभी डेडपूल मर जाता है और वो अपनी वेनेसा के पास पहुंच जाता है, लेकिन वेनेसा उसे कहती है कि हम जरूर मिलेंगे, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया है क्योंकि अभी पूरी एक्समैन फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि केबल के पास जो टाइम मशीन वाली घड़ी होती है वो उसे दो ही टाइम यूज कर सकता था, एक पास्ट में आने के लिए और दूसरा वापस से फ्यूचर में जाने के लिए। लेकिन केबल उस आखिरी चांस का इस्तेमाल करके उस टाइम में पीछे जाता है जहाँ जब वो स्कूल में पहुँचे थे। और केबल इस बार डेडपूल को बचाने के लिए उसके सूट में वो कॉइन रख देता है जो वेनेसा का था, और जब केबल रसल पर गोली चलाता है तो गोली डेडपूल पर लगती है, लेकिन डेडपूल इस बार उस कॉइन की वजह से बच जाता है। डेडपूल समझ जाता है कि उसकी जान केबल ने टाइम में पीछे जाकर बचाई है और वो उसे कहता है कि तुम अब अपने परिवार के पास वापस कैसे जाओगे। तो केबल कहता है कि मेरा परिवार सुरक्षित है इसीलिए अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि अब ये दुनिया सुरक्षित है या नहीं। और फिर डेडपूल केबल को हक करता है और फिर वो सभी अपने घर लौटने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो प्रिंसिपल वापस आता है और वो उन्हें गालियाँ देने लग जाता है, लेकिन तभी दोपेंदर उसके ऊपर टैक्सी चढ़ाकर उसे मार देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में नेगासोनिक और यूकियो मिलकर केबल की टाइम मशीन वाली वॉच को फिर से ठीक कर देती है और डेडपूल उस वॉच का यूज करके पास्ट में चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को गोली लगने से बचा लेता है। और फिर दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल उस टाइम में पहुंच जाता है जहां पीटर मरने वाला होता है, लेकिन डेडपूल उसे बचा लेता है और कहता है कि अपने घर वापस जाओ क्योंकि तुम्हें इसमें ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें तीसरे पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहां डेडपूल उस टाइम में पहुंचता है जब पास्ट के डेडपूल और पुरानी वुल्वरीन की फाइट होने वाली होती है, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही वहां पर डेडपूल पहुंच जाता है और पुराने वाले को जान से मार देता है और वुल्वरीन से कहता है कि तुम्हें अभी नहीं मरना, तुम्हें लोगन मूवी में मरना है, इसीलिए मैं इसे जान से मार रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आगे जाकर बहुत सारा कचरा साफ करना है। वहीं फिर डेडपूल 1889 में पहुंचता है जहां एडोल्फ हिटलर एक छोटा सा बच्चा होता है और डेडपूल उसे जान से मारने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अगर तुम ही मर जाओगे तो फ्यूचर में होने वाले काफी सारे हादसे टल जाएंगे। लेकिन डेडपूल का दिल साफ होने की वजह से वो उसे नहीं मार पाता, लेकिन उसे कहता है कि मैं केबल के साथ तुम्हें मारने जरूर आऊंगा क्योंकि केबल को बच्चों को मारने में बहुत मजा आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।